हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के 5वें श्लोक पर आज हैं। भगवान ने हमें बताया किस प्रकार से क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और वह अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ये क्षेत्र कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर भावनाएं आती हैं, किस प्रकार के कार्यों से उसके अंदर विकार होते हैं इत्यादि। और भगवान ने कहा मैं ये संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। सो भगवान कहते हैं ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। सो कल हमें भगवान ने कहा था कि ओ प्लीज हियर फ्रॉम मी तत्समासेन मेश्रुणो, प्लीज हियर फ्रॉम मी इन समरी। सो अर्जुन कह सकते हैं अच्छा तो आप समरी में बताओगे। सो अगर आप समरी में बताओगे तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? तो भगवान कहते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऋषिभिर बहुधा गीतम। सो ऋषियों ने इसका डिटेल दिया है। अनदर थिंग वी कम टू नो इज इवन व्हेन द लॉर्ड स्पीक्स By custom, he also takes a reference. You see, भगवान को अपने वाक्यों के लिए कोई reference लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान कहें वो ब्रह्म वाक्य है, वो धर्म है। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम। सो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो मैं ये समरी कहूंगा उसके ऊपर डिटेल विवेचना या डिस्क्रिप्शन दिया है। सो कृष्णा इज ऑल्सो टेकिंग अ रेफरेंस। दिस शोज अस हाउ रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर देखेंगे आज की साइंटिफिक कोई भी रिसर्च पेपर होगा या बुक होगी तो उसके पीछे बिबलियोग्राफी या एक्नॉलेजमेंट्स होंगे कि मैंने ये जो लिखा वो मैंने कहाँ से ज्ञान लिया, वो स्टेटिस्टिक्स, वो सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मैंने कहाँ से लिए, केस स्टडीज मैंने कहाँ से लिए। सो देयर इज ऑलवेज अ बिबलियोग्राफी। सो सिमिलरली व्हेन एवर वी स्पीक इवन ऑफ स्पिरिचुअल टर्म्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कोट। अरे इफ आई एम स्पीकिंग मैं कहाँ से अपने मन से बोल रहा हूँ क्या? तो यतो मत तथोपत, मेरा मन कुछ और कहेगा, मैं अपना सही बोलूँगा, आपका मन कुछ और कहेगा, आप सही बोलेंगे। सो वेयर इज द एंड टू इट? The end is when acharyas or great devotees or great sages have said something and we base our arguments on their teachings. So rishibhir bahudha gitam chandobhir vividhai hi prithak, keval likha hi nahi, chand means meter, केवल लिखा ही नहीं उसे बहुत सुंदर रूप से गाया भी गया है, वेरी पोएटिकली एक्सप्लेन। सो यूजुअली हम जब तत्व की बात करते हैं तो तत्व इज लाइक अरे फिर से फिलोसॉफी पढ़ने के बाद इससे अच्छा कुछ कथा सुनाओ। सो यूजुअली पीपल आर नॉट इंक्लाइंड टू रीड और हियर फिलोसॉफी, इट बिकम्स मोनोटोनस एंड बोरिंग। सो इसीलिए भगवान ने यह सुंदर ज्ञान हमें गीत के माध्यम से दिया है, यह है भगवद गीता। गीता अर्थात जो गाई गई। सो हम देखेंगे दिस टेक्स्ट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोज और अ पैराग्राफ, इट्स इन टर्म्स ऑफ अ फ्लोइंग पोयम। क्यों? अरे आपको इसका मर्म समझने के लिए नहीं हुआ तो कम से कम इसे सुन करके तो इसका आनंद लीजिए। सो छंदोभिर विविधई पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश चैव। सो कितने सारे विविध ग्रंथों में छंदोभिः विविधई पृथक, अनेक छंदों में अनेक ऋषियों ने इस ज्ञान को दिया है। बट देन द फाइनल अथॉरिटी ऑफ दिस ज्ञान इज ब्रह्मसूत्रस, जो वेदव्यास जी ने हमें दिए हैं, जो कि सारे वेदों का सार है। सो सारे वेद की शिक्षाओं को संकलित करके वेद व्यास जी ने फॉर्मूले बनाए। फॉर्मूले जैसे हमें अंग्रेजी में, सॉरी मैथ्स में फॉर्मूले थे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको याद है सब, यस, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, हमारी अच्छे स्टूडेंटशिप के दिन जिन फॉर्मूलाज ने खराब किए वो थोड़े कुछ आपको दिखाते हैं अभी, इसके पीछे जिंदगी इतनी खराब हुई थी। सो ब्रह्म सूत्र पदेश चैव, एनीथिंग दैट इज टू बी हर्ड, एनीथिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड, एनीथिंग लॉजिकली दैट इज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ टोटैलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एट द लेवल ऑफ ब्रह्म सूत्र। और ये ब्रह्म सूत्र हमें क्या कहते हैं, ये जीवन पांच अवस्थाओं पर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश अर्थात व्यक्ति अपने जीवन को केवल अन्न समझता है, वन ईट्स एंड वन लिव्स, सिंपल, अन्नमय कोश। इससे ऊपर जब उसकी चेतना जाती है तो वो समझता है कि जीवन कहां पे है, जहां पर भी प्राण आ और जा रहा है, अर्थात वो अपने ही अंदर नहीं, वो दूसरों के अंदर भी जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उनके अंदर वो जीव देखता है, दैट इज प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। देन ज्ञानमय कोश, अरे उसको पता चलता है कि केवल सांस लेने और देने से नहीं, एनीथिंग दैट कम्स टू बर्थ ग्रोस, प्रोड्यूसर्स बाय प्रोडक्ट्स, ड्विंडल्स एंड डाइज, एवरीथिंग हैज लाइफ, सो दैट इंक्लूड्स बर्ड्स, बीस्ट्स एंड ट्रीज एंड क्रीपर्स। विज्ञानमय कोश, इसके बाद वो इन सब से उठ करके शरीर और आत्मा के बीच का भेद समझता है, दैट इज विज्ञान, विशिष्ट रूपेण ज्ञान। एंड फाइनली व्हेन ही अंडरस्टैंड्स कृष्णा और द सुप्रीम लॉर्ड एंड डिसाइड्स टू सरेंडर टू हिज लोटस फीट, दैट इज कॉल्ड एज आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश अर्थात भक्ति या सेवा की चेतना। सो ये जीवन की श्रेणियां, ये चेतना की श्रेणियां हमें ब्रह्म सूत्रों में पता चलती हैं, और भगवान कहते हैं यही मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपको संक्षेप में बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।